नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। वाकई झारखंड के जन औषधि केंद्रों को इलाज की जरूरत है। सूबे का एक बड़ा तबका इससे प्रभावित हो रहा है। कारण साफ है, इन औषधि केंद्रों पर दवा मौजूद नहीं, जिसका असर रिम्स और सदर अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों पर पड़ रहा है। बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। एक तरफ जहां राज्य सरकार और विभागीय मंत्री सूबे में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य के विभिन्न अस्पतालों में जन औषधि केंद्र दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। तो झारखंड के जन औषधि केंद्र को खुद इलाज की जरूरत है। सूबे का एक बड़ा तबका इसकी वजह से सीधे प्रभावित हो रहा है। इन औषधीय केंद्रों पर दवा ही मौजूद नहीं है, जिसका असर रिम्स और सदर अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों पर पड़ रहा है। झारखंड की 75% आबादी निम्न वर्ग से है और ये गरीब जनता ज्यादातर सरकारी अस्पताल और जेनेरिक दवाओं पर निर्भर करती है, जो कि कम दरों पर उपलब्ध हो जाती है और लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड में धनबाद को छोड़कर सभी जिलों में जन औषधि केंद्र खोले गए थे, लेकिन आज इन केंद्रों की स्थिति बद से बदतर हो गई। कई केंद्र तो ऐसे हैं जो करीब करीब बंद होने के कगार पर हैं और जो खुले हैं उन्हें वक्त पर दवाएं उपलब्ध नहीं होती, और जब जन औषधि केंद्र में ही दवा नहीं तो मरीजों का हाल क्या होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तो देखिए, दिक्कत हो गया था मम्मी का, तो आए थे तो 2 दवाई यहाँ पे नहीं मिला तो बाहर से लेना पड़ा। बोली मैडम कि नहीं है दवाई अवेलेबल, तो फिर बाहर से लेना पड़ा। अगर बात करें राजधानी रांची की जनता के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाले रिम्स की, तो हर रोज यहाँ सैकड़ों की तादाद में मरीज अपना इलाज कराने आते हैं, जो गरीब घराने से होते हैं और पैसे के अभाव में महंगी दवाएं नहीं खरीद पाते, जिनका एकमात्र रास्ता होता है जन औषधि केंद्र। लेकिन यहाँ भी दवा उपलब्ध नहीं होती। जन औषधि केंद्र के फार्मासिस्ट भी मानते हैं कि केंद्र में दवाइयों की भारी कमी है। सप्लायर जो है ना, कि सप्लायर का भी लगभग 1.5-2 महीना से दवा का सप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास जो सप्लायर है जो CNF को CNF बना नहीं, जो CNF को बना हुआ था उस CNF को अभी तत्काल उसको बर्खास्त कर दिया गया, मतलब उसको आदेश नहीं है यहाँ सप्लाई करने। कुछ ऐसे ही हालात सदर अस्पताल के भी हैं। यहाँ दवा जन औषधि तो खुला हुआ है और यहाँ से बहुत सारी दवाएं मिल भी रही हैं, ऐसा नहीं, लेकिन और कुछ दवाओं की ज़रूरत है जो सरकार को मुहैया कराएं तो बेहतर होगा। कुछ दवाइयाँ तो हैं, अवेलेबल हैं, तो अगर सप्लाई बंद है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है या जो रिस्पॉन्सिबल है जन औषधि के लिए। हाँ, इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने राहत भरा आश्वासन जरूर दिया है। हर एक विभाग को हमने हिदायत किया है, दवा के लिए भी हमने देखा दवा है, और भी जो छू रहे थे कुछ बिल्डिंग में, हमने आज PWD और PhD को बुलाया, पानी होने की जो दिक्कत थी, आज बैठक हुई। बहरहाल जब सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के साथ साथ ही राजधानी के दूसरे सरकारी अस्पतालों का ये हाल है, तो ग्रामीण इलाकों का हाल क्या होगा, इसे बखूबी समझा जा सकता है। रांची से मोहजुद्दीन की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे संवाददाता मोहजुद्दीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहजुद्दीन, जन औषधि केंद्र में औषधि ही नहीं है, फिर इन केंद्रों को खोलने का क्या मतलब रह जाता है? बिल्कुल दीपक, जिस तरह से मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि झारखंड की आबादी जितनी है इसमें से करीब 85% जो यहाँ की जनता है ये गरीब तबके के होते हैं और ज्यादातर लोग इस गरीबी की वजह से सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करने को मजबूर होते हैं। और खासकर कि ये जेनेरिक दवाओं या फिर जन औषधि केंद्र गरीब जो है सस्ती दवाओं में खरीदने को निर्भर होती है और सस्ते जगह पे इलाज कराते हैं। और इनके लिए एकमात्र संस्थान होता है रांची का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सूबे का जो है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ ये लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि सूबे के पूरे झारखंड में जितने भी जन औषधि केंद्र है यहाँ पे कई महीनों से दवाओं की सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रही है। हालांकि खुद जो फार्मासिस्ट है ये भी मानते हैं कि हमारे पास सप्लाई ही नहीं है तो हम मरीजों को क्या दें। इसे तो साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है गहरी नींद में सोई है, आम जनता की इन्हें फिक्र नहीं है। दीपक, बिल्कुल हमारे चैनल हेड मनमोहन सिंह राजपूत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन जी, इन केंद्रों को खोलने का उद्देश्य यही था कि गरीबों की जो दवाइयों की आवश्यकता है उसे सस्ती दर पर मुहैया कराई जाए और उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करने से बचाया जाए, लेकिन अब इन औषधीय केंद्र में दवाएं ही नहीं हैं तो फिर इनका क्या औचित्य रह जाता है? दीपक, जिस तरह से हम खबरों पे खबर दिखाए जा रहे हैं, दीपक आप इस बात को गौर कीजिए, हमने कितनी खबर दिखाए रिम्स को लेकर, लेकिन रिम्स की जो हालत है दीपक ना, और औषधि केंद्र को इलाज की जरूरत, सही बात अब हो चुकी है दीपक, क्योंकि अब औषधि केंद्र में जब दवा ही नहीं है दीपक तो उन गरीबों की आवाज को किस तरह से इन गरीबों के तक पहुंचाया जाए, अब मुझसे और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता दीपक। ये पिछले हम एक हफ्ते से दीपक ये हॉस्पिटल से अस्पताल से रिलेटेड हमने कितनी खबर दिखा चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के डॉक्टरों से रिलेटेड, यहाँ के अधीक्षक से रिलेटेड और सरकार से रिलेटेड मुझे लगता है बहरी हो चुकी है और सुनना कोई नहीं चाहता। अगर ऐसे जगह पर इनकी आवाज तक नहीं पहुंच पा रही दवाई तो बहुत शर्म की बात है दीपक। मैंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र दीपक, जहां पर दवाइयां मुफ्त में दी जाती है, बताइए दवाइयों को गरीबों को देने के लिए वहां पर दवाइयां खाली पड़ी है दीपक, इलाज के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलते हैं दीपक। आज एक ऐसी खबर आई दीपक, जो महिला इलाज के लिए तड़प के मर गई दीपक। तो किस तरह से बात किया जाए, आज हम किस तरह से हम बोले कि गरीबों की सरकार गरीबों के हक नहीं मार रही, आज गरीबों की सरकार ही तो गरीबों का हक मारने में लगी है दीपक। किस 75% जनता जो औषधि केंद्र पर निर्धारित रहती है दीपक, इनको फ्री में दवाइयां मिलती है, लेकिन इस दवाइयों को आप गौर कीजिए, दवाइयां इन तक नहीं पहुंच पा रही है। और इन्हीं जगह नहीं, जितने भी सरकारी अस्पताल है दीपक झारखंड में, मुझे लगता है कि आज के डेट में सारे सरकारी अस्पतालों की हालात यही हो चुकी है कि इन तक दवाइयां नहीं पहुंचती, जिसके वजह से आज इनकी हालत ये हो चुकी है कि दवाइयों के लाइन लगते हैं और हो सकता है ये दवाइयों के लिए पीछे से पैसे देते हैं दीपक, जिन तक इनको दवाइयां मिलती है। तो ये दीपक बोलना बहुत मुश्किल है कि आने वाला समय इनके लिए किस तरह होगा, और जिस तरह से सरकार और जिस तरह से यहाँ का अधीक्षक बहरी बनकर बैठी। और आपने स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान सुना परसों दिन, 10 रुपए में तो खबर इलाज करा देते हैं पत्रकार, तो आम तो एम्बुलेंस ले। अरे हम तो किसी की मदद करने के लिए आते हैं और हम मदद करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको तो मंत्रालय दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, आप तक तो कम से कम सरकार तक पहुंची आवाज कब सुनेंगे आप, कब इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? जानकारी और बार-बार दौरा करने से नहीं होता, दौरा करने से आपके स्वास्थ्य विभाग महकमा नहीं सुधर जाएगा, क्योंकि इनको आना और इनको काम नहीं करना है, तो इनको यही काम। इसलिए आप ऐसा कोई कार्रवाई करें जिसके ऊपर हमेशा कार बोला जा सके। बिल्कुल, बार-बार निरीक्षण भी कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन उसके बावजूद कुछ खास बदलता नहीं दिख रहा है। हमारे साथ जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही जेवीएम के महासचिव बंधु तिर्की जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बंधु तिर्की जी, क्या लगता है कि वाकई सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए प्रयासरत है? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो दावा करते हैं कि वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, खामियों को दूर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे संवाददाता झारखंड के अलग अलग जिलों से स्वास्थ्य व्यवस्था की दुखद स्थिति की खबरें भेज रहे हैं। देखिए, इनका कथने और करने में बहुत अंतर है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और मानवता नाम का चीज भी इन पर खत्म हो गया है। आज झारखंड प्रदेश में जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला हुआ है, चाहे वो सदर अस्पताल की बात कहें, चाहे आरएमसीएच की बात कहें, बड़े अस्पताल का, ये तमाम अस्पतालों में सारे जगह जन औषधि केंद्र बंद पड़े हुए हैं। वहाँ दवा रहता ही नहीं है, दवा का ठिकान नहीं है, लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पर दवा नहीं मिल पाता है। और आप विगत दिनों देख रहे हैं, आपकी बातों को मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही बात आपने कह रहा था कि तमाम जगह के सदर अस्पतालों में छोटे छोटे बीमारी से लोग ग्रसित लोगों को दवा नहीं मिल पाने के कारण उनका मृत्यु हो जा रहा है, और ऐसे में सरकार इसको संज्ञान में ना लेना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज आप देख रहे हैं कि एक मानवता के नाते भी मंत्री को कम से कम जिन चीजों पर अपना बयान देना चाहिए था, जिन चीजों को बोल करके अपने जो जन औषधि केंद्र है उसको सुधारने की बात करनी चाहिए, उनको दवा उपलब्ध कराने की बात करनी चाहिए। तो अभी वो निर्देश हम निर्देश देंगे देखेंगे कह रहे हैं, तो कब तक लोग मरे जाएंगे इस तरह से जिस तरह से स्थिति बन रही है पूरे गुमला जिला में। बड़ा सवाल है कि आखिर लोग कब तक मरेंगे, और वो भी सरकार की असंवेदनशीलता की वजह से। मनोज पांडे जी, क्या वाकई लगता है कि सरकारी महकमा सरकार की बात सुनती भी है? मंत्री महोदय तो लगातार कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, सख्त चेतावनी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था में बदलाव नहीं होता, तो क्या वजह लगती है? देखिए, मुझे तो लगता है कि पूरी सरकार की हालात कमोवेश इसी प्रकार की है। आप मंत्री जी की बातों को सुनिए, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम देखेंगे, चेतावनी देंगे, डॉक्टरों को हड़काते हैं, तरह तरह की बातें आती है, लगता है कि बस कल से व्यवस्था में सुधार हो जाएगा, लेकिन ढाक के तीन पात, होना जाना कुछ नहीं है। स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, खास करके स्वास्थ्य विभाग में। इतनी सारी खबरें, मुझे तो लगता है कि अखबार उठाता हूं या आपका चैनल देखते हैं तो हर दिन कोई ना कोई एक ऐसा वाकया सामने आता है जो झंझोड़ कर रख देता है। इंसानियत माने सरकार की उदासीनता, इनकी निष्क्रियता, इनकी संवेदनहीनता, इनकी संवेदन शून्यता, मुझे लगता है कि ये एक मंत्री होने लायक कहीं से नहीं है। आप ये जिस तरह के बयान दिए थे इन्होंने, जब कारगुजारी, ये जो आप लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया उस पर उन्होंने बोला कि 10-10 रुपए देकर इलाज करा देना चाहिए था। तो मुझे तो लगता है कि अगर सरकार नाम की चीज है, मुख्यमंत्री में थोड़ी भी हिम्मत है, जैसा कि हेमंत सोरेन जी ने अपने कार्यकाल में दिखलाया था, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा लचर हो गई है, बदतर हो गई है। बिल्कुल, आज पहली बार झारखंड में आपने भी सुना होगा, आज देखिए, आज एक महिला ने सड़कों पर बच्चे को जन्म दे दिया। सड़क पर एक बच्चे का इलाज के क्रम में 50 रुपया नहीं रहने के कारण मौत हो गई। डॉक्टर नहीं मिलते, दवा दुकान में, औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना है वहां औषधि नहीं मिलता। तो कितना, माने मुझे तो लगता है कि पूरे झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास करके अव्यवस्था का माहौल है, कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री रोज की घटनाएं तो ये जाहिर तौर पर स्पष्ट करती है कि अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है, और व्यवस्था बहाल करने में स्वास्थ्य मंत्री या सरकार नाकाम हुए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर जी भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, ऐसा नहीं लगता कि हाथी को उड़ाने में सरकारी महकमा इस कदर खो गया है कि उन्हें लोगों की छोटी छोटी समस्याएं नहीं दिख रही है? खासकर अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री औषधीय केंद्र, प्रधानमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना लोगों को सस्ती दवा मुहैया कराने की, वो झारखंड में फेल है। झारखंड में मुख्यमंत्री जी रघुवर दास के सत्ता में आने के बाद लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि संस्थान भी झारखंड में लाने का काम किया जा रहा है, और रिम्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन पहले से जो लचर व्यवस्था चली आ रही है और एक कार्य संस्कृति और एक मानसिकता जो बना के रख दिया गया था, उसको बदलने में थोड़ा तो समय लग रहा है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो प्रवीण जी, आपके कहने का मतलब ये निकाला जाए कि सरकार की सरकारी अधिकारी सुनते नहीं है, मंत्री की कर्मचारी सुनते नहीं है? नहीं, सुनते नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो और किस कार्य संस्कृति का जिक्र कर रहे हैं? में सुधार लाने के लिए सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। ये जो लचर व्यवस्था हमको विरासत में मिली पिछले 70 साल में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उपेक्षा करने का काम किया गया। माफी चाहूंगा प्रवीण जी, हम 70 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के 1 जुलाई 2015 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की बात कर रहे हैं। हेलो जी प्रवीण जी, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री ने जन औषधीय परियोजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत जेनरिक दवाएं लोगों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए केंद्र खोले जाने हैं। हम बस उसकी बात कर रहे हैं कि उन केंद्रों में दवाएं नहीं है तो फिर उन केंद्रों को खोलने का क्या मतलब है, क्या फायदा है? क्या केवल प्रधानमंत्री के नाम का बोर्ड लगाने के लिए केंद्र खोले गए? जेनरिक दवाओं को देखिए, जिसमें सब प्रसारित किया जा रहा है और इस मामले में जागरूकता के लिए हम पालन कर रहे हैं और जेनरिक औषधि केंद्र भी लगातार है, लेकिन एक बिल्कुल। प्रवीण जी, कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, हम दोबारा आपको जोड़ते हैं, तब आपकी बातें ठीक से सुन पाएंगे हम भी और हमारे दर्शक भी। फिलहाल मनमोहन जी, हमारे संवाददाता मोहजुद्दीन ने एक चीज बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट आउट की और वो है दवा माफियाओं का ऐसा मकड़जाल बना हुआ है कि वो इस जेनरिक केंद्र के जरिए सस्ती दवाएं लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, उनके बिजनेस का सवाल हो जा रहा है। ये ऐसे में क्या लगता है कि सरकार भी प्रभावित हो रही है उन दवा माफियाओं से? दीपक, बिजनेस को अगर हम बात करें दीपक, अगर उनसे दवा माफियाओं का अगर बिजनेस रिलेटेड है दीपक, तो ऐसे में तो और भी शर्म की बात है दीपक। बिजनेस से किसी गरीब लोगों के पास में अगर दवा जेनरिक, जिस दवा केंद्र को प्रधानमंत्री ने 2015 में इसका उद्घाटन करने का मकसद यही था कि गरीबों तक ये दवा पहुंच सके, जो महंगे महंगे दवाई हैं उनसे थोड़ी दूरी रख करके उन तक ये बातें पहुंचे, गरीब जनता के पास में ये जेनरिक दवाई पहुंचे। और औषधि केंद्र खोलने का मकसद ही यही था कि उनके दवाई, जब दवाई नहीं मिल रही थी तो माफियाओं को शिकंजा कसने के लिए कौन है दीपक? माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सरकार का काम है, ना कि किसी और का काम नहीं दीपक। इसमें माफिया पे अगर उस तरह की बातें आती है तो उस पर शिकंजा कसी जाए। सरकार को मंत्रालय किस लिए दी जाती है? मंत्रालय इसलिए दी जाती है कि ताकि वो काम करे, ना कि बैठ के आराम करे। पर मंत्री जी काम कर रहे हैं, मंत्री जी किस बात से काम करें? मंत्री जी के दौरे से जब काम नहीं हो पा रहा तो मंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए दीपक। अगर इस तरह के डेली कोई, आप जरा दीपक आंकड़े उठाकर देख ले पूरे महीने का, तो रिम्स की हालत ऐसी है दीपक कि वहां पर कोई अब इलाज कराने जाए तो मतलब उसके मरता अस्पताल क्या नहीं करता, वो वाली हाल हो गई है। ना रुई मिलता, ना सुई मिलता, धागा मिलता, किस तरह से वहां इलाज करते हैं। वहां ना अधिकारी मिलते हैं, ना डॉक्टर मिलते हैं, किस तरह के इलाज करते हैं दीपक। आज तुम दवाई की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मनमोहन जी, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप जिन हालातों का जिक्र कर रहे हैं वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात नहीं है, बल्कि वो रिम्स, रांची के सदर अस्पताल, जमशेदपुर के सरकारी अस्पतालों की ये हालत हमारे चैनल हेड बयां कर रहे थे। बहरहाल मनोज पांडे जी, क्या लगता है कि हाथी उड़ाने में सरकार इतना व्यस्त हो गई है, इतना भारी भरकम काम अपने मत्थे ले लिया है कि उसे राज्य की जनता के सुख दुख की कोई परवाह नहीं है? वो तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, सड़क पर माताएं बच्चों को जन्म दे रही है, ये परिस्थिति बन गई है मोमेंटम झारखंड के चक्कर में। देखिए, हाथी उड़ाना, मोमेंटम झारखंड, ये सब उसका क्या असर रहा धरातल पर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि ये 70 साल का लचर व्यवस्था, फिर उन्होंने बोला कि झारखंड में 17 साल हो गए उसकी लचर व्यवस्था। तो इसी लचर व्यवस्था को सुधारने का दायित्व सरकार पर होता है। अगर वो काम वो नहीं कर सकते हैं तो फिर उनका सत्ता में बने रहना पर ही औचित्य खड़े हो जाते हैं। और ऐसे मंत्री जो, जिन पर लगातार इस तरह की अकर्मण्यता की बातें सामने आती हैं, उस पर तो विचार सरकार को करना होगा, सरकार के मुखिया को करना होगा। और हाथी उड़ाने की जहां तक बात है, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने जमशेदपुर में इस पर स्पष्ट रूप से कहा कि अगर हाथी उड़ेगा तो उसका लीड जनता को मिलेगा। हाथी उड़ने का फायदा तो नहीं, गरफायदा जो दिखेगा। तो आप हाथी उड़ाने जैसी इस तरह कपोल कल्पित बातें करके जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। धरातल पर कौन सी योजना आई, किससे जनता का कल्याण हुआ? आज तक ऐसी स्थिति झारखंड में नहीं थी। आप उनसे पूछिए, प्रवीण जी हमारे मित्र हैं, उनसे आप पूछिए कि पहले ऐसा सुना था क्या आपने कि रोड पर बच्चा पैदा करना पड़ा महिला को? आज 50 रुपए के चलते, और एक दिन की बात नहीं है, बिल्कुल हर दिन इस तरह की खबरें सामने आ रही है, बेहद दुखद स्थिति है। प्रवीण जी फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने की या फिर और बीजेपी नेताओं से जुड़ने की, ताकि इस पर कोई प्रतिक्रिया मिल सके। बहरहाल बंधु तिर्की जी, झारखंड में 20 सेंटर ये औषधीय केंद्र खोले जाने की योजना थी, शुरुआती चरण में जो योजना का आंकड़ा है, झारखंड में 20 सेंटर। जब 20 सेंटर नहीं संभल रहा है सरकार से, केंद्र सरकार की इस योजना को राज्य सरकार नहीं संभाल पा रही है, तो क्या लगता है हाथी उड़ा लेगी? देखिए, बड़े बड़े एमओयू करने से इनको फुर्सत नहीं है और जहां तक मोमेंटम झारखंड की बात, अभी सीएजी का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में जो मोमेंटम झारखंड का समारोह किया था उसमें 600 करोड़ राशि का गड़बड़ी है मामला। अभी अभी मैं प्रवीण प्रभाकर की बात सुन रहा था कि 70 साल में ऐसा दशा है, वैसा दशा है। मतलब आपको जब लोग बहुमत दिया है, आपको सरकार आपकी है, तो लोग आप यही कहते लोगों को मरने उसको मारेंगे क्या? एक तरफ से तो आप मार रहे हैं उनका, जान ले रहे हैं उनका। और ठीक ही कहा मनोज पांडे जी ने कि वो मंत्री को तो अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर इतना इस लोगों में थोड़ी भी अगर मानवता है और थोड़ी भी इन लोगों को लाज शर्म है तो उस मंत्री को उनको अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल जी जुड़ चुके हैं। दीनदयाल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। दीनदयाल जी, झारखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है, रोज रोज इस तरह की अलग अलग जिलों से खबरें आ रही है, और केवल छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को तो भूल ही जाएं, बड़े सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री के दावे फेल हो रहे हैं, और आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जन औषधि केंद्र, जिसके जरिए सस्ती दवाएं गरीब गुरबों तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा था, जिनके हितैषी सरकार बनी हुई है झारखंड में भी और केंद्र में भी। ऐसी दुर्दशा उन स्वास्थ्य केंद्रों की है, उन जन औषधीय केंद्रों की है, वहां दवाएं नहीं मिल रही है। दीपक जी, ऐसा है ना कि ये आपने सही कहा है कि दवाओं का अभाव है और हम लोग इसको एडमिट करते हैं। इसका मूल कारण में जाना पड़ेगा जी। दवाओं की जिस कंपनियों के साथ हम लोगों का टाई अप था वह कंपनी सही सप्लाई नहीं कर पा रही है, और पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए कि वह कंपनी जिससे हमारा टाई अप हुआ था या जिस कंपनी के साथ टाई अप करके यह गरीबों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की मेरी योजना थी, उस योजना में कहीं न कहीं उन सारे कंपनियों ने एक तरह से हम लोगों को चीट किया, हम लोगों को समय पे धोखा दिया, जिसके कारण हम जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाइयां नहीं दे पा रहे हैं। इसका हमको खेद जरूर है, लेकिन इसके पीछे का मूल कारण ये नहीं है कि कोई सरकार का फेल्यूर है। सरकार दवाइयां नहीं बनाती है, दवाइयाँ कहीं न कहीं हमको किसी न किसी कंपनी से लेना होता है, और जब कंपनियां अगर सही समय पे दवाई नहीं उपलब्ध कराएगी, हमारी जिम्मेवारियां है, इसमें मैं जा नहीं रहा हूँ, जिम्मेवारियां 100% मेरा है, लेकिन जब कंपनियां सप्लाई नहीं करेगी तो हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है कि हम उस दवाओं का कोई मैन्युफैक्चरिंग करके लाए। हाँ, उसी का एक सब्स्टिट्यूट निकाला जा रहा है। उन सारे कंपनियों, जो कंपनी नहीं दे पाई दवाई, उनको मतलब हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर रहे हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट लेने का प्लान हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है, बहुत जल्दी 1 महीना के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर हम फिर से सस्ती दवाई का, जो हमारा बहुत बड़ा एक गरीबों को राहत देने का ये प्रोग्राम था, हम उसको फिर से सफल बना पाएंगे। और जो भी कारण रहा हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के बात को न अधिकारी सुनते हैं न कर्मचारी मानते हैं, व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। दूसरे मामलों की अगर बात करें तो फिर कैसे भरोसा करें कि 1 महीने में इन स्वास्थ्य बोल रहा हूं जी, स्वास्थ्य मंत्री की कोई बात नहीं सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक नंबर एक, दूसरी यह भी नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री कोई असंवेदनशील है, यह भी नहीं है। दोनों बातों में कहीं न कहीं एक तरह से 70 साल, 60 साल, 50 साल की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ये किनकी व्यवस्था है, हम उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक प्राथमिक चिकित्सा का बात है, दोषारोपण से ज्यादा बेहतर है कि हम बेहतर कार्य करें। लेकिन पुरानी व्यवस्था जो जर्जर हो चुकी थी, या यह बोला जाए कि जिनकी मानसिकता, चाहे वो कर्मचारी से लेके कुछ डॉक्टर्स, मैं सारे सभी को नहीं कह सकता हूँ, उसमें 2-4% डॉक्टर्स भी को भी दोषी हैं, वो सारे डॉक्टर्स का मानसिकता थोड़ा पुराना है, लेकिन अब उनको परिवर्तन करना पड़ेगा अपने आप को। भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी भी हालत में किसी को छोड़ने नहीं जा रही है, और कोई भी हालत में, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे किसी भी लेवल के लोग। दीनदयाल जी, आप कह रहे हैं कि किसी को भी जो जिम्मेदारियों का निर्वहन सही से नहीं करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार ने जनता को छोड़ दिया है, वो भी भगवान भरोसे। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। जनता के ऊपर ही सरकार चलती है, और जनता मेरी मालिक है। भारतीय जनता पार्टी जनता को ही मालिक समझती है। चलिए, आपके 1 महीने के आश्वासन पर हम भरोसा कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ बदलता है इन जेनरिक दवा के केंद्रों पर जहां प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोगों को सस्ती दवाएं मुहैया कराई जाने थी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन सिंह राजपूत जी, बंधु तिर्की जी, मनोज पांडे जी और दीनदयाल वर्णवाल जी, आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप news_india.nims पर हमें लाइक कर सकते हैं।